और अभी तक चेंज भी नहीं किया है, चेंज मुझे करने हैं और अभी बज रहे हैं 7:30, तो जल्दी से अपना चेंज करूँगी, फिर डिनर बनाएंगे आराम से और देखती हूँ थोड़ा बहुत काम पड़ा है वो कर लूँगी, क्योंकि थकान इतनी हो जाती है ना ऑफिस से आने के बाद, बस मन करता है कि बस सो जाओ। रात तो मुझे ऑफिस में भी इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी, पता नहीं क्यों, कल की थकान थी या पता नहीं क्या था, आई डोंट नो, पर ना थकान सी हो रही थी और नींद सी आ रही थी। तो बस अभी डिनर बनाती हूँ, चेंज वेंज कर लेती हूँ, हाथ मुँह धो लेती हूँ अपने, और डिनर करके उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। और आज मेरा जो दूसरा जो मेरे सेशन वगैरह चलते हैं, आज काफ़ी दिन से वहाँ पे भी मैंने, जो हमारा हैप्पीनेस क्लब है वहाँ पे भी मैंने मीटिंग नहीं ली, तो आज सोच रही हूँ कि वहाँ पे भी मीटिंग लूँ, पर जल्दी से फ्री होगी तो लेती हूँ, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। पहले जल्दी से अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। हाँ जी, तो फिर उसके बाद मैंने कुछ सूट नहीं किया था, वो थकान हो गई थी, मैं सो गई थी। नेक्स्ट डे का है अपना, जल्दी जल्दी से तैयारी कर रही हूँ ऑफिस की, क्योंकि मुझे लेट हो रही होती है, तो सब्जी बन चुकी है, साथ में मैं रोटी बना रही हूँ और उसके साथ ही मैंने अपनी चाय चढ़ा दी है, क्योंकि फिर जब तक मैं रेडी होकर आऊँगी फटाफट से मेरी चाय के साथ मैं पराठा खाती हूँ सुबह सुबह, क्योंकि फिर लंच टाइम होता है हमारा 1:30 से 2 बजे का, तो भूख लग जाती है। तो मैं अपनी चाय पराठा खा रही हूँ और उसके बाद मेरे पीछे से मेरी बेटी ने बनाई थी सेवैयाँ, जो अपनी दादी के साथ ये इन्जॉय कर रही, क्योंकि फ़ोन वहीं पर घर पर ही मैं रख के जाती हूँ। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग का हो गया था, तो छोटी सी क्लिप भी थी, मैं कोशिश करती हूँ छोटी छोटी क्लिप आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। और जल्दी से नहा धो के आ गई थी और मैं यहाँ जा रही थी ऑफिस के लिए, चाय पी रही हूँ, ऑफिस निकल रही हूँ, बस मतलब चाय पी के सीधा मैं निकल जाती हूँ, क्योंकि मैं चाय एकदम लास्ट में पीती हूँ। और ऑफिस मैं तो ऑफिस में थी और बेटी ने पीछे से एक ऑर्डर आया था, मैंने मदर इन लॉ के लिए साड़ी मंगवाई थी, तो उसकी ये यहाँ पे अनपैकिंग कर रहे हैं, तो मैंने बोला हुआ है उसको वीडियो बनाने का, क्योंकि कई बार कुछ पीस में डिफेक्ट वगैरह आ जाते हैं तो चेंज करवाने की दिक्कत रहती ना, तो उसलिए वीडियो प्रूफ के लिए ले लिया था। और उसके बाद वापस से हो गया हमारा नेक्स्ट डे और यहाँ बना रही हूँ वापस से, आपको पता है सुबह का रूटीन रहता है, सुबह से फटाफट मैं परांठे बना रही हूँ, सब्जी आलू और शिमला मिर्ची की बनाई थी, तो जल्दी से ऑफिस के लिए निकलना है। और उसके बाद मैंने अपनी फटाफट से रेडी होके अपनी चाय पी, चाय परांठा, जो मैं चाय परांठा पीती हूँ सुबह सुबह, क्योंकि भूख लग जाती है ना, 1:30 बजे लंच होता है, तो चाय परांठा ले रही हूँ और आपके साथ थोड़ी सी क्लिप शेयर कर दी, क्योंकि इसके बाद मुझे सीधा निकलना होता है ऑफिस के लिए। ऑफिस में निकल गई थी, यहाँ पर अपनी पंचिंग की और वापस आते टाइम मैंने अपनी फ्रेंड के साथ मोमोज इन्जॉय किए थे, उसने बोला था चलने के लिए। गुड मॉर्निंग, हैप्पी संडे, कैसे आप सब लोग, आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी दुआ से मैं भी बात अच्छी हूँ। और आज आ गई हूँ आपके पास वापस 1 वीक के बाद, पूरा लंबा यानी कि लॉन्ग व्लॉग वीडियो लेके आ। और हाँ, मैंने आपको बोला था कि मैं कोशिश करूँगी लेकिन नहीं हो पाया, आई एम सॉरी, क्योंकि रूटीन इतना रहता है कि 9 से 7 तो मैं, आपको पता है, ऑफिस में रहती हूँ, तो वहाँ मैं शूट नहीं कर सकती हूँ, और वहाँ से आने के बाद थोड़ा बहुत भी शूट करूँगी तो फिर मतलब ही नहीं है। तो आज संडे है, आज पूरा दिन शूट करेंगे और अभी बज रहे हैं 12:30, मैं अभी तक नहा ही नहीं हूँ, मैं बस नहाने जा रही हूँ, क्योंकि संडे के दिन थोड़ा कपड़े रहते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा काम रहता है, तो वो सब किया मैंने, सुबह से सफाइयों में लगी हुई थी और दिवाली भी आ रही तो थोड़ी एक्स्ट्रा सफाई हो जाती है, क्योंकि रूटीन की तो हो ही रही है, तो मैंने अपनी जो किचन की जो थोड़ी बहुत सफाई करनी थी, स्टोर के जो होते हैं हमारे सामान, बहुत होता है किचन में सामान, तो सुबह उसकी सफाई कर ली थी मैंने, ऑलमोस्ट सारी हो चुकी है। और उसके बाद मेड आ गई थी, हाउस हेल्प जो मेरी है वो आ गई थी, उन्होंने कपड़े धोने थे 1 वीक के, बहुत सारे कपड़े थे, थोड़ी उनकी भी हेल्प करवा देती हूँ, मतलब वो धो देते हैं, मैं फटाफट सूखने के लिए डाल देती हूँ, तो जल्दी काम हो जाता है। और अब मैं नहाने जा रही हूँ, मैं अपना फेस पैक भी लगा चुकी हूँ, क्योंकि वीक में एक बार ये ज़रूरी है, होममेड में जो अपना फेस पैक लगाती हूँ, थोड़ी सी स्किन केयर भी कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने अपना फेस पैक लगा लिया, फेस वॉश कर लिया है, अब मैं जा रही हूँ नहाने, और उसके बाद थोड़ा सा जो भी रूटीन का काम है, कपड़े वगैरह पड़े हैं जो मैं आपको बताऊँगी, वो कपड़े सारे सेटल करने हैं, मार्केट भी जाना है, तो आज दिन भर जो भी रहेगा आपके साथ पूरा दिन भर का मैं शेयर करती रहूँगी। और ये ब्लॉग मैं आज एडिट कर दूँगी, तो आज शाम को या फिर मैं कल मॉर्निंग में ही डालूँगी, आज शाम तक तो मैं पूरा इसको शूट करके रात तक एडिट कर दूँगी और पूरा अपलोड वगैरह करके डाल दूंगी, क्योंकि फिर ऑफिस में टाइम नहीं मिलता है। तो कल आपको ये ब्लॉग मिल जाएगा मंडे को, और उसके बाद देखते हैं दिवाली की कितनी छुट्टियां मिलती है, हमें कुछ पता नहीं है अभी, तो ऑफिस में अगर छुट्टियां मिल गई तो वो दिवाली के दिनों वाली भी मैं ब्लॉग शूट कर ही लूँगी, और कोशिश करूँगी आपके साथ रोज़ छोटी छोटी क्लिप मैं डालती रहती हूँ, कुछ ना कुछ कहीं खाने की पीने की, थोड़ा बहुत डे की डाल देती हूँ, तो वो छोटे वाले शॉर्ट्स जो है वो आपको मिलते रहेंगे।
तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ, पहले मैं सबसे पहले शावर लेके आ जाती हूँ, रेडी हो जाती हूँ और मार्केट के लिए निकलते हैं। सूट मैंने दिवाली का मंगा लिया है, ऑनलाइन मंगाया है, बहुत अच्छा आया, जैसा बिल्कुल ऑर्डर किया था बिल्कुल आया, क्योंकि कई बार क्या होता है ऑनलाइन में ना कलर डिफरेंट आ जाता है, तो मेरा कलर बिल्कुल टच वुड बिल्कुल जैसा मंगवाया था वैसा आया है, लेकिन आपको अभी नहीं बताऊँगी, आपको दिवाली पर ही देखने को मिलेगा, क्योंकि फिर सरप्राइज़ ख़त्म हो जाएगा यार, है ना। अभी आप देख लोगे तो फिर आपको ऑलरेडी पता होगा कि हाँ यही है, तो थोड़ा सा सरप्राइज़ बनाते हैं, मैं दिवाली पे जब पहनूंगी तब आपके साथ शेयर कर दूंगी। बाकी आज मार्केट जाएंगे, थोड़ा बहुत सामान लेना है, तो आज बने रहना, आपके साथ शूट कर दूंगी, जितना भी रूटीन रहेगा आज का वो सारा शूट करने वाली हूँ, ताकि आपको एक अच्छा सा व्लॉग मिले और आपको भी देखने में मज़ा आए, ठीक है। तो पहले जल्दी से जाते हैं, शाल लेके आती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। और उसके बाद नीचे आके किया मैंने ब्रेकफास्ट, आज कचौड़ी मंगाई थी बहुत दिनों के बाद, चाय कचौड़ी, हमारा बीकानेर लोगों का सबसे फेवरेट नाश्ता। और उसके बाद मैंने आज बाजार से खाना मंगाया था, मतलब छोले कुलचे मंगाए थे और बाकी राइस हमने रात को जो बनाए थे। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और जैसा कि आपको मैंने बोला था मार्केट जा रही हूँ, तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ, बस मैं निकल रही हूँ मार्केट के लिए। तो मार्केट में जो भी लेना है, ज़्यादा कुछ लेना नहीं है, थोड़ी बहुत सामान लेना है, कुछ चेंज करवाना है, तो वो मैं करवा लूँगी, जो भी देखते हैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो जल्दी से निकलती हूँ क्योंकि अंधेरा हो जाता है, आपको पता है सर्दी है, तो 6 बजे अंधेरा हो जाता है, पहले जाती हूँ, फिर आपसे रास्ते में मिलती हूँ, जो भी है शेयर कर दूँगी। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी बज रहे हैं 10 और मैं ऊपर आई थी अपनी वॉक के लिए, अभी वॉक कर लिया है और अब मैं जा रही हूँ, और मैंने व्लॉग सारा एडिट कर लिया है, थोड़ी सी वॉइस ओवर रही है तो अभी नीचे जाके मैं कर दूँगी, थोड़ा सा बना है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, मतलब 10 मिनट के अंदर अंदर का व्लॉग है, पर कोई बात नहीं, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि मेरा अभी बना नहीं पा रही हूँ व्लॉग को, लेकिन जितना भी बना है, जो कुछ भी शेयर किया, जो कुछ भी मतलब मैंने शूट किया था अभी इस एक वीक में 4-5 दिन या 6 दिन में, वो सब आपके साथ शेयर कर दिया है, तो मैं अभी उस सबको एडिट कर दूँगी और शेड्यूल कर दूँगी, तो कल आपको ये व्लॉग मिल जाएगा। और फिर उसके बाद कोशिश करूँगी नए व्लॉग की कल स्टार्टिंग करने की, नए दिन से, ठीक है। और अभी तो दिवाली भी आ रही है, तो फंक्शन का भी आपको नेक्स्ट व्लॉग जो मिलेगा शायद दिवाली वाला ही मिल पाएगा, कोशिश करूँगी, लेकिन हाँ दिवाली वाला ही व्लॉग मिलेगा आपको, ठीक है। तो बस अभी मैं जाती हूँ नीचे, 10 बज रहे हैं, कल ऑफिस भी जाना है, तो मिलती हूँ आपके साथ नए व्लॉग में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए, बी हेल्दी, बी हैप्पी एंड बी सेफ, एंड लव यू ऑल, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और मैंने 3K का सेलिब्रेशन नहीं किया है, बस करूँगी, मैं रोज़ सोचती हूँ लेकिन कह रहे ना हो नहीं पा रहा है, लेकिन बहुत जल्दी 3K का सेलिब्रेशन मैं करने वाली हूँ, तो बहुत जल्दी करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। चलिए आप सब लोग अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए मेरे साथ, एंड लव यू ऑल, एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन, सी यू, गुड नाइट, टेक केयर।